हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? अबे वो अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी भाई, मैं पीछे लेता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे सलार के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और डंकी के 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डंकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 29 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 103 करोड़ 87 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 5वें दिन में 23 करोड़ 13 लाख का, 6वें दिन में 9 करोड़ 82 लाख का, 7वें दिन में 8 करोड़ 75 लाख, अपने 8वें दिन में गुरुवार के दिन में लगभग 8 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 154 करोड़ 47 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 184 करोड़ 30 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 134 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 318 करोड़ 30 लाख हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 9वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 9वें दिन में इंडिया में लगभग 9 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 128 करोड़ है और आज के कलेक्शन को मिलाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट होने जा रही है। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.9 रेटिंग मिले। तो दोस्तों, अब जानते सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में 16 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 54 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में 15 करोड़ 22 लाख का, 5वें दिन में 10 करोड़ का, 6वें दिन में 9 करोड़ 8 लाख का, अपने 7वें दिन में गुरुवार के दिन में लगभग 9 करोड़ 13 लाख का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 98 करोड़ 3 लाख हो चुका है, तो ऑल इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन 97 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 218 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में 47 करोड़ 5 लाख का, 5वें दिन में 25 करोड़ 66 लाख का, 6वें दिन में 16 करोड़ 40 लाख का, अपने 7वें दिन में गुरुवार के दिन में लगभग 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 321 करोड़ 63 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 383 करोड़ 40 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 112 करोड़ के कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 495 करोड़ 40 लाख हो चुका है। आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ के कलेक्शन भी करने जा रही है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 8वें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 9 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है, तो ऑल इंडिया में लगभग 15 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। आज ये फिल्म हिंदी में 100 करोड़ का नेट कलेक्शन भी करने जा रही है। इस फिल्म के साथ प्रभास की हिंदी में ये पांचवी फिल्म बनने भी जा रही है, जिसने हिंदी में 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया। इससे पहले उनकी बाहुबली, बाहुबली 2, साहो और आदि पुरुष ने भी हिंदी में 100 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 230 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले। सलार ने हिंदी वर्जन के कलेक्शन में डंकी को ओवरटेक कर लिया है। खासकर सिंगल स्क्रीन में सलार के लिए अच्छा खासा क्रेज दिख रहा है और हो सकता है सलार का फाइनल हिंदी कलेक्शन डंकी के फाइनल कलेक्शन से भी ज्यादा हो। वैसे दोस्तों, अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया, तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सा फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।